तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने डॉग कहाँ से लिया है और कितने खरीदा है कि मतलब सिर्फ गांव से उठा के? ये डॉग आपकी इसकी वो कैसी रहती है, मतलब मेडिकल कंडीशन, बीमार होता है डॉग यहाँ पे कि कम बीमार होता है, कुछ ऐसा रहता है? नहीं जैक्सी नहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। दोस्तों आज का जो व्लॉग होने लगा ना काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त होने वाला, बिकॉज जो भोटिया डॉग का मैंने शॉट डाला था राइट, उस भोटिया डॉग से मिलने मैं भी जा रहा हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यार कि वो भोटिया डॉग उन्होंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, डाइट क्या रहती है और वो कैसे बीमार होता है नहीं होता है, फैमिली के साथ कैसा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। और चलता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको मिलाने वाला हूँ आज भोटिया डॉग के ओनर से। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए यार, आपका नाम क्या क्या है? रंजन बोरा। और आपका? तो ये मोना। तो ये इसके ओनर है, तो कितने खुश हैं, बिल्कुल भोटिया डॉग पाल के एकदम सब लोग खुश हो जाते हैं। और इसका नाम जैक्सन है ना? इसका नाम जैक्सन है। और इसकी एज कितनी हो गई है? सेवन प्लस हो चुकी है इसकी एज ना, तो सात साल का रनिंग है। सात साल का मतलब एट्थ रनिंग है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक इसके साथ? बेस्ट है, सही है। इससे पहले आपने कोई डॉग पाला था? नहीं, फर्स्ट है। काफी लोग पूछते हैं कि ये भोटिया डॉग काफी बड़ी ब्रीड होती है राइट, काफी बड़ी होती है, अग्रेसिव होती है, तो काफी लोग बोलते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है पहले इससे पहले डॉग पालने का तो आपको भोटिया डॉग नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, एग्रेसिव होती है लेकिन आप ट्रेंड करवा रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम। एग्रेसिव होती है क्या ब्रीड? एग्रेसिव तो है, मतलब अननोन्स के लिए। अननोन्स के लिए, और मतलब हम तो अपना इंजेक्शन का बताएंगे, बाकी का तो पता नहीं। नहीं मतलब स्ट्रेंजर्स के लिए, घर में कोई उनके लिए अग्रेसिव है ना, आपस में फैमिली के लिए? फैमिली के लिए तो नहीं, फैमिली के तो फ्रेंडली है। फ्रेंडली, और बच्चे के लिए भी फ्रेंडली है राइट? हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने पहले डॉग नहीं पाला है वो भोटिया डॉग नहीं ले सकता? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मतलब पाल सकते हैं भोटिया डॉग। हाँ। तो मतलब ऐसा है ना, मैं आपको बता दूं यार गाइस कि भोटिया डॉग्स जो होते हैं ना अपनी टेरिटरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एडमेंट होते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। जिद्दी तो बहुत होते हैं, है ना? अच्छा, तो ये 6 महीने में इतना हो गया था, उसके बाद बड़ा नहीं, मतलब मतलब गर्मी है, अगर विंटर्स में रहता तो और बढ़ जाता ना। हाँ। तो आपकी बात सुनता नहीं सुनता ये? मुंडी है, सुनता है, नहाने के लिए तो इतना डरता है, जैसे हम कहेंगे इसको कि आज इसको नहलाना है। हाँ। जैसे कल कहेंगे कल नहलाना है, ये छुप जाता है, कुछ भी रोके। तो यार ये क्या है, हमारा नवाब भी ऐसे ही, वो भी नहाने से बहुत डरता है, पता नहीं क्यों। ये भोटिया डॉग, उसको पता नहीं नहाने से क्यों डर लगता है, जबकि ये ठंडी जगह से होते हैं, शायद ऊपर ये नहाते नहीं है ना पहाड़ों में, वहाँ ठंडा रहता है ऑलरेडी, तो पानी से थोड़ा डरते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है जैक्सन जब वो 1 महीने का था। तो देखिए क्वालिटी क्या रहती है भोटिया डॉग की जब वो 1 महीने के होते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा जब भी आप भोटिया डॉग के पपी लेने जाएंगे तो कुछ इस टाइप के वो लगने चाहिए अगर वो 1 महीने के हैं। तो भाई बताओ यार, तुम मुझे बता रहे थे कि तुमने ये भोटिया डॉग क्यों लिया, बताओ। ये नाना जी लोगों के लिए आ रहा था, गाँव से नाना जी के लिए आया था ये। मतलब तुम्हारे नाना जी कहाँ रहते हैं? वो गाँव में रहते हैं। तो गाँव से आ रहा था कहीं से? हाँ। तो ये हमें पसंद आ गया, फिर हमने ले लिया, हमने दिया ही नहीं वापस, तो इसलिए ये कहानी। मतलब ऐसा कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, तुम्हारा कुछ पालने का मन नहीं था कि हमारे डॉग पसंद है तो हम ले रहे हैं, कौन सा डॉग लें, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। तो गांव में मतलब ये आया, तुम्हें पसंद आया, तुमने ले लिया। हाँ। तो ये है देखो भाई कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्हें ये डॉग ऐसे होते ना, अगर आपको दिखेगा ना पसंद आना शॉर्ट है, आप छोड़ ही नहीं सकते भोटिया डॉग को, इतने एकदम पहली नजर में प्यार हो जाता है। तो वही इनके साथ भी किस्सा हुआ है। डाइट में क्या खाता है भोटिया डॉग, क्योंकि काफ़ी जो अच्छे क्वालिटी के डॉग्स होते हैं उनको नॉनवेज देना पड़ता है, उनको अंडे देने पड़ते हैं और उनको पेडिग्री देनी पड़ती है, दबा दबा के उनकी डाइट बहुत होती है। इसकी डाइट कैसी है और क्या खाता है डाइट में? डाइट इसकी फुल टू जैसे हम लोग की होती है वैसी है, फेवरेट मतलब ज्यादा डाइट है कि कम, मतलब क्या है ऐसा? डाइट नॉर्मल डाइट है, अच्छी है। हाँ। अच्छी बोलोगे आप, नॉर्मल नहीं बोलोगे? अच्छा। हाँ। अच्छा खासा खाना खाता है, पेट कभी नहीं भरता इसका। तो दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है। फेवरेट इसका चिकन है, मटन चिकन, और पेडिग्री देते हो आप इसे, और चिकन नॉन वेज भी देते रहते हो, है ना? आलसी बहुत होता है। मोमोज भी इसके फेवरेट है, मोमोज भी खा लेते हैं। खा लेते हैं मोमोज भी यार, ये क्या यार, पसंद नहीं है, वेज मोमोज खा लेते हैं। आपने कुत्ते को भी अपनी तरफ भी बिगाड़ दिया, मतलब यार भोटिया डॉग वैसे ऐसे होते नहीं है, ठीक है? भोटिया डॉग को आप जो दे दो वो खा लेते हैं, अब इन लोगों ने बिगाड़ दिया अपने लाड प्यार से, इतने प्यार से रखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिखने में सिर्फ डॉग है, वैसे ये इंसान फैमिली का मेंबर है, ऑर्डर करा हुआ सब खाता है। तो इसके लिए स्पेशल ये लोग ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, तब ये खाना खाता है। वैसे घर का खाना मम्मी का खा के बोर हो गया ये, तो इसके लिए बाहर से खाना आता है। तो इन लोगों ने इसे बिगाड़ रखा है। वैसे मैं बता दूं इसकी, क्योंकि पहाड़ों में तो डॉग फूड होता नहीं है कुछ, वो लोग दूध दही रोटी सब कुछ देते हैं नॉर्मल, तो पहाड़ों के कुत्ते जो होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, है ना?
तो उनकी डाइट कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे आप रखोगे वैसे हो जाते हैं डॉग्स ना। पर ये कुछ भी नहीं खाता, बहुत चूजी है खाने के मामले में। ये चूजी है, आपने बना दिया है, ठीक है। लगातार पेडिग्री नहीं खिला सकते, नहीं खा सकते, इसका टेस्ट चेंज करना पड़ता है। ओ भाई साहब सही है, मतलब बच्चे की तरह लगा है, छोटे बच्चे, मतलब तेरे से भी ज्यादा अच्छा माना है इसको लगता है मेरे को। देखो तो पीट पेट के वैसे भी खिला देंगे कि तू खा लौकी की सब्जी, पर ये नहीं खाएगा। ठीक है, तो डाइट की बात हो गई, तो आप लोग ने चलो हिसाब से कर रखा है। वैसे डाइट इसकी भूरे डॉग की मानी जाती है नॉर्मल रहती है, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक डाइट नहीं रहती है। सेकंड, ये पहाड़ के कुत्ते हैं ना, ये पहाड़ों में पले रहते हैं, ठंड के कुत्ते होते हैं ये, तो ये आपने गर्मियों में मतलब प्लेन्स में नहीं जी पाते हैं या कुछ करना पड़ता होगा आपको, तो वो कैसे आपने हल्द्वानी में इसे रखा हुआ है? ये बचपन से हल्द्वानी में रहे? ना ना, ये पहले से, मतलब हमारा गांव है अल्मोड़ा, वहाँ पे रहा है ये। हाँ, दो तीन साल का तो वहीं पे रहा है ये। हाँ, मतलब यहाँ पे आते जाते रहता था। अच्छा, जैसे समर्स के टाइम पे वहाँ चले गए, हम लोग भी चले जाते थे। हाँ, अब ये बड़ा हो गया ना, तो जब बड़े हो जाते हैं तो सर्वाइव कर लेते हैं इजीली। मतलब ऐसा होता है क्या? कर लेते हैं, फिर तो इंसान जैसे खाने का बता रही, तो आपने धीरे धीरे इसे हैबिचुअल बनाया है यहाँ का, है ना? पहले इसे आपने ऊपर रखा, फिर ऐसे करा। हाँ, लेकिन जो अगर स्टार्टिंग से नीचे लाना चाहे तो पलेगा, थोड़ा मुश्किल है। इसकी ये जो ग्रोथ है ना, ऐसी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, तो भोटिया ब्रीड की आपने भी सुना होगा, 6-7 महीने में प्रॉपर अपनी पूरा फुल बड़े जाते हैं ना, उसके बाद नहीं बढ़ते। तो ये मतलब 1-2 साल तो ये रहा है, आते जाते रहा है, समर्स में वहाँ चले जाते थे। तो अच्छा, मतलब समर्स में वहाँ भेजा, विंटर्स में यहाँ ले आए ना, ठीक है। अब तो हम भी कहीं नहीं जाते, तो ये इधर ही पे एसी में बैठ जाता है। तो अच्छा, सर्दियों में आप, गर्मियों में आप इसे एसी में रखते हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि कूलर वूलर में भी चल जाए? ऐसा नहीं है, कूलर है ना, कूलर पे भी रह जाता है ना। जब हम एसी में बैठते हैं तो ये भी एसी में बैठ जाता है, तो आप हेयर कट वगैरह कुछ कराते हैं इसका गर्मियों में? हेयर भी नहीं काटते? ट्रिमिंग नहीं, नेल कट नहीं, कुछ नहीं। तो गर्मियों में ऐसे ही रहता है, ये हेयर फॉल हो जाता है ना, तो खुद ही हेयर कम शेड हो जाते हैं बाल ना, ठीक है। तो मतलब हेयर कट नहीं करते हैं इसका डॉग का बिल्कुल भी, जैसे बाल है वैसे ही रखते हैं। बस ऐसा है कि गर्मियां आती हैं, तो आप अगर एसी में जाते हैं तो अपने साथ ले जा लेते हैं इसे ना। तो अगर आपके घर में एसी या कूलर है तो कूलर में ले आप रहते हैं तो कूलर में ले जा सकते हैं, एसी में लेना तो एसी में ले जा सकते हो, जैसा आपके घर में फैसिलिटी वैसे ले जा सकते हैं। तो मतलब आपने देखा होगा डॉग ग्रूमिंग करते हैं, नेल कट वगैरह, तो हम इसका, हाँ, बाल काटते हैं, कुछ नहीं करते आप? कुछ नहीं, कुछ हम कुछ नहीं करते, क्योंकि ये जब ऐसे बात करता है तो ऐसे ऐसे खरोंचते हैं अपने नाखून, तो पूरे ऐसे पत्थर में नाखून घसीट घसीट नाखून। तो मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस डॉग है, मतलब खुद ही अपना काम खुद कर लेता है। बाकी तो आजकल डॉग्स आप देखते हो 25 से ऊपर ही, मतलब अच्छी अच्छी ब्रीड आप देख लो तो 50 तक का भी, 50,000 की। हाँ, तिब्बतन मैस्टिफ 50,000 से ऊपर की है। कौन सी वाली? तिब्बतन मैस्टिफ, इसी के थोड़ी हाई क्वालिटी के डॉग्स होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपने डॉग कहाँ से लिया है और कितने खरीदा है, कि मतलब सिर्फ गांव से उठा के लाए? ऐसे खरीदा है, ये तो वो चाय फ्री में लेके आए, पर हमने उन्हें पे किया था। तो कहाँ से लाए आप इसे? मुंशारी से गए, वो मुंशारी के थे, पुलिस थे। अच्छा, तो मुंशारी फ्रेंड था वो, तो वो मुंशारी से लाए थे इसको। हाँ, वो मुंशारी के ही थे। तो ये डॉग में बताऊँ थोड़ा सा अलग है, और इसके तो आपकी क्वालिटी दिख रही है बालों की, ये आपको ये नैनीताल और अल्मोड़ा साइड तो नहीं मिलेंगे ऐसे डॉग्स। हाँ, ये आपको थोड़ा हाइट में जाना पड़ेगा, तो मुंशारी थोड़ा हाइट में, और इन्होंने पे किया है 5,000 फ्री में लेके आए। हाँ, क्योंकि ऐसा चीज है भैया, मैं बताऊं आपको, जैसे भोटिया ब्रीड होती है, आपने देखी होगी। हाँ, लोग बोलते हैं ना सेम ऐसे ही लगता है। हाँ, आप इसके आईब्रोज के ऊपर, इसकी आईब्रोज है प्रॉपर ब्राउन कलर का, देखो। हाँ, इसके आईब्रोज के, हाँ, हाँ, ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। हाँ, जैसे भोटिया ब्रीड होती है प्रॉपर एक ब्लैक भी होते हैं। हाँ, प्रॉपर होते हैं, बहुत कम होते हैं ये, ब्लैक एंड टैन बोलते हैं शायद इसे, जो भी ब्लैक एंड टैन बोलते हैं ब्राउन कलर। तो ये इसका ओरिजिनल कलर होता है, यही कलर होता है। आपने बिल्कुल सही बोला, भोटिया डॉग आपको बहुत मिल जाएंगे फ्री में भी, आप उठा कर ले आएंगे। हाँ, हाँ, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं आएगी, और बालों की शेड जो आप देख रहे हैं ये इतना, हाँ, अच्छा हेयर इसका कोट आ रहेगा, ये कोट नहीं आएगा। और इसके जो आपके, इसके अगर पंजे दिखा रहा, पैर देखो, इसका पैर का साइज देखो यार, आप इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे वीडियो में, लेकिन असली में अगर आपने देखा होता ना यार, इसके पैर एकदम भाई के, भाई तुम पतले हो गए, इसका पैर मोटा है, इसका पैर मोटा है, ये भाई के हाथ के साइज से बड़ा मोटा हाथ है इसका यार। कुछ नहीं यार, तो अच्छी बॉडी है काफी। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि काफी अच्छा क्वालिटी का हैवी बोन रहता है, ठीक है, ये असली भोटिया डॉग है। बहुत मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर थोड़ा खड़ा भी करके दिखा दो यार, लेटा ही हुआ जब से वीडियो ला रहे हैं। नहीं जैक्सी नहीं, भाई के दांत देखो यार इसके, काफी खूंखार दांत है। बीमार होता है डॉग यहाँ पे कि कम बीमार होता है, कुछ ऐसा रहता है? होता है। अच्छा, तो आप मीठा देते हो ना, तब बीमार होता है? तो मतलब वेट के पास जाना पड़ता है आपको, मतलब ऐसा है? वैसे गर्मी के सीजन में ज्यादा बीमार पड़ता है, सर्दी के सीजन में ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है,
फेस्टिवल के सीजन में बीमार पड़ता है। वैक्सीन से प्रॉपर लगती है ना? नहीं वैक्सीन नहीं, ऐसा होता है कि हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे काफी जो ब्रीड्स रहती हैं जैसे लैब्राडोर होता है काफी एक एज के बाद तो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है, सुस्त पड़ा रहता है, उसकी उसके जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है, जर्मन शेफर्ड के हिप की प्रॉब्लम लोकेशन डिसलोकेट होने लग जाती है या बुखार आने लग जाता है, ऐसा कुछ है? फीवर तो रहता है जब से छोटा है तब से रहता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना? हाँ, मैंने जैसा आपको बताया 8 रनिंग चल रहा है तो 8 साल तक, 8 साल का रनिंग चल रहा है इसका, अभी तक ऐसे कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आए हैं, एक्टिव है ना? एक्टिव है, हाँ। तो ऐसा है कि ये अभी देखो जैसा लाइफस्टाइल आपका रहेगा ना उस हिसाब से आपका डॉगी बन जाएगा। तो ये भैया बता रहे हैं कि इसे प्यार चाहिए होता है, जब मेहमान आते तो उनके बीच में बैठना होता है इसे, कि मुझे बाहर के छोड़ दिया है, तो काफी फैमिली वाले डॉग होते हैं यार, है ना? तो इनको फैमिली के साथ रहना काफी पसंद होता है, और सिर्फ प्यार दो तो प्यार के भूखे हैं, देखो कैसे प्यार से सोया हुआ उसी बोल रहे। नॉर्मल वैसे बुढ़िया डॉग्स की एज तुम्हें कुछ पता है? मुझे पता है। आपको पता है? बताओ। 12 साल ज्यादा से ज्यादा रहेगा, 15 साल नहीं तो 12 साल में तो चले जाते हैं। देखो शर्मा नहीं है बताने में, ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल आराम से जी लेते हैं, और अगर अच्छे से मतलब बाघ ने नहीं खाया, तेंदुए ने या बूढ़े होके कहीं लड़ाई लड़के घायल नहीं हो गए तो 15 साल तक जी लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो भूटिया डॉग्स होते हैं वैसे तो आपको पूरे उत्तराखंड में मिल जाएंगे, अवेलेबल घूमते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ जो मेन डॉग्स की जो ब्रीड होती है वो भूटिया डॉग्स ही होती है, और कोई ब्रीड यहाँ पाई नहीं जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छे डॉग्स की जैसे इस टाइप का क्वालिटी का आपको डॉग चाहिए जैसे जैक्सन है हमारा, तो आपको हाइट में जाना पड़ेगा, जैसे कि मुंशियारी हो गया या धारचूला हो गया, वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के डॉग्स मिल जाएंगे। लेकिन और जैसे इन्होंने तो 5,000 में खरीदा है और 7 साल पहले खरीदा था 5,000 में, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको देखो आपकी किस्मत है, 5,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और ये आपको कब मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, इनके जो पपीज का सीजन होता है वो होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, इस सीजन में आपको उत्तराखंड में पपीज अवेलेबल हो जाते हैं, और हमारे यहाँ मेले भी लगते हैं, बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला लगता है, धारचूला में भी मेला लगता है, तो वहाँ पे भी जो जितने भी ये आपके जो शेपर्ड्स होते हैं राइट, उनके यहाँ जो बच्चे हुए होते हैं डॉग्स के, वो नीचे आते हैं बागेश्वर साइड इस मेले में आते हैं और पपीज को सेल करते हैं, तो आप उन मेले में जाकर भी पपीज को खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स मिल जाते हैं, बिकॉज वो मिक्स नहीं होते हैं हमारे लोकल जो उत्तराखंड में डॉग्स होते हैं राइट, उनसे मिक्स नहीं होते, प्योर होते हैं वो, तो आप वहाँ जाके भी ऐसे क्वालिटी के डॉग्स खरीद सकते हैं जैसे जैक्सन है पीछे। अगर आपको इस भूटिया जैक्सन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई की इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप भाई को फॉलो कर सकते हो। भाई वैसे इंस्टाग्राम की अपनी आईडी बता दो यार। प्रांजल बोरा 08 है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो यार। ये जैक्सन के बारे में, ये कैसे इसकी टेक केयर करते हैं, क्या ये डॉग्स प्लेन्स में पल सकते हैं कि नहीं सकते, आपको जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे ओनर से आपको जो पूछनी है आप डायरेक्ट भाई से भी पूछ सकते हो, और मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही होगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार ना। तो भाई से डायरेक्ट पूछ ले दो कि कैसा इसका रहता है, डाइट कैसा रहता है आप पूछो, उसके बाद आप इस डॉग्स को लो ठीक है। मैं दिखा दो तुम्हें फैमिली के साथ कैसे वर्क करता है ठीक है, भाई को काटेगा तो नहीं? तो अंदर सब लोग, ये जीजा जी हैं मतलब इनके दामाद हैं, तो ये अभी आए हैं, तो देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं, देखो यार। और ऐसा भी होता है कि ये अननेसेसरीली भौंकता है कुछ ज़्यादा दिन में? नहीं, जैसे काफ़ी डॉग होते हैं भौंकते ही रहते हैं, भौंकते रहते हैं। ये खासियत और होती है भूटिया डॉग्स की, बता दूँ अननेसेसरीली नहीं भौंकता है ठीक है, लोगों को आपको परेशान नहीं करेगा, अगल बगल फैमिली किसी नेबर को तो अननेसेसरीली भौंकता, सिर्फ रात को ये डॉग्स एक्टिव होते हैं, रात को ना, रात को एक्टिव होते हैं कि रोड से किसने पैरों से भी चला तो ये नींद हराम हम कर देगा ना, तो रात को एक्टिव होते हैं डॉग्स, क्योंकि रात को ही लेपर्ड्स अटैक करते हैं गोट्स को और काउस को, तो जो पहाड़ों में बकरी है और भेड़ बकरियों को, तो इसलिए ये इनके अंदर बाय ब्लड होता है ये ठीक है। तो बाय ब्लड क्या क्या फीचर होते हैं मैं बता देता हूँ, घर वालों के लिए बेस्ट है, प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए ज़बरदस्त है, कभी बीमार नहीं होता है ठीक है, अगर आपने अच्छे से रखा है सर, अगर ठंडे इलाके में तो कभी बीमार नहीं होता, अगर प्लेन्स में लगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, और फोर्थ यार की इसका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो बाहर की ब्रीड लेने से अच्छा है कि हमारे भूटिया डॉग को अडॉप्ट करो और हमारे उत्तराखंड को भी सपोर्ट करो ठीक है। बोरा फैमिली को मैं थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ के जैक्सन के वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सबसे मिलके, मतलब हमारे पहाड़ों की मतलब पहाड़ियों की खासियत होती है कि मतलब वेलकमिंग होते हैं बहुत, मुझे पहली बार मिल रहे हैं मुझसे आप लोग राइट, बता दो मुझसे सब पहली बार मिल रहे हैं, तो भाई मुझसे पहले मिला हुआ था लेकिन ये सब मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, और इतने अच्छे से मैंने इनके साथ वो करा है, तो थैंक्स मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए जैक्सन को मुझसे मिलाने के लिए। तो बोलो आप, बोलो जैक्सन अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना है? जैक्सन तो ये बोल नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।